डायरेक्टर अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबट्रैक्शन पढ़ेंगे। सबट्रैक्शन मतलब वजा करना। सबट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? वजा करना, कम करना। तो सबट्रैक्शन के सवाल आपको दिए हुए हैं। पहले हम यूनिट यूनिट को सबट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद टेन को सबट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद 100 को सबट्रैक्ट करेंगे। ये चारों सवाल हमको इस तरह करना है। सबसे पहले यूनिट सबट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद टेन और उसके बाद में 100। तो पहले यूनिट में हमको कौन सा फिगर दिया हुआ है? 6। कौन सा फिगर दिया हुआ है आपको? 6। और उसमें सबट्रैक्ट करना है आपको 3। तो हम 6 फिंगर निकालेंगे। कितने फिंगर निकालेंगे? 6। और उसमें सबट्रैक्ट करेंगे 3। 1 2 3। कितने बचे? हमारा आंसर क्या है? 3। 1 2 3। तो हमारा आंसर निकलेगा यहाँ पर 3। और उसके बाद 10 को सबट्रैक्ट करेंगे, क्या दिया हुआ है? पहला फिंगर हमको 4। तो 4 फिंगर निकाल लेंगे। उसके बाद 2 उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे। 1 2। कितने बच्चे हमारे पास में? क्या आंसर आया? 2। 1 2 हमारा आंसर आया है 2। उसके बाद 100 को सबट्रैक्ट करेंगे, कितने फिंगर निकालेंगे हम? 3। और सबट्रैक्ट करेंगे उसमें से 1। ये 1 सबट्रैक्ट कर दी। अब बचे कितने? 2। यहाँ पर 2 लिख देंगे। हमारा आंसर क्या आया? 223। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम। पहले यूनिट को सबट्रैक्ट करें, क्या हमारा यूनिट? 2। और सबट्रैक्ट कितने करना है उसमें से? 1। तो 2 फिंगर निकालेंगे और उसमें से 1 सबट्रैक्ट करेंगे। ये 1 सबट्रैक्ट कर दिया हमने, कितने बचे? 1। अब 4 में सबट्रैक्ट करना है 4। तो पहले 4 फिंगर निकालेंगे और 4 फिंगर में से 4 फिंगर को सबट्रैक्ट करेंगे। 1 2 3 4। तो कितना आया हमारा आंसर? 4 फिंगर में बचे, मतलब 0। क्या आया हमारा आंसर? 0। अब हम 100 को सबट्रैक्ट करेंगे। पहले 5 फिंगर निकालेंगे हम, उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे 3। 1 2 3। हमारे पास कितने फिंगर बच रहे? 2। 1 2। तो हमारा आंसर आया 2। हमारा आंसर आ गया 2001। हमारा आंसर क्या है? 2001। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। यूनिट में हमको कितने फिंगर निकालना है? पहले 7। ये 7 फिंगर निकाल लिए, उसमें सबट्रैक्ट कितने करना है? 5। 1 2 3 4 5। अब हमारा आंसर क्या है? 2। तो हम यहाँ पर 2 निकली। उसके बाद 10 को सबट्रैक्ट करेंगे, 3 दिया हुआ है, हम 3 फिंगर निकालेंगे और उसमें से सबट्रैक्ट करना है हमको 0। 0 मतलब कुछ भी नहीं। तो हमारा आंसर 3 का 3 रहेगा। उसके बाद 100 में आपको कितने दिया फिंगर? फिंगर दिया हमारा 1। कितने फिंगर निकालेंगे? 8 फिंगर। और उसमें से सबट्रैक्ट करना है 2 सबट्रैक्ट करेंगे। 1 2। कितने बचे हमारे पास? 6। ये हमारा आंसर है 632। ये हमारा आंसर है। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले यूनिट में कितना दिया हुआ है आपको? फिगर 6। पहले 6 फिंगर निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें से सबट्रैक्ट करना है 6। तो 6 में से 6 सबट्रैक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0। तो हमारा आंसर क्या है ना? 0। उसके बाद है 8 फिंगर निकालेंगे हम और उसमें से सबट्रैक्ट करना आपको 3। 1 2 3।
सुनो, हमको एक फिंगर निकालना है, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है 3, ये एक फिंगर निकाली, उसमें से 3 फिंगर सब्ट्रैक्ट करना है 1 2 3, तो हमारा आंसर आया 5। अब 100 में दिया हुआ है 9 और 4, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है 4, पहले हम 9 फिंगर निकालेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 1 2 3 4, कितने फिंगर बचे यहाँ पर 5, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 5। हमारा पूरा आंसर क्या आया 500 and 50। तो आपको इसको बुक में लिखना है और इस तरह के सवाल आपको घर पर सॉल्व करना है, किताब में भी दिए हुए हैं, आप किताब में से भी कर सकती हैं।